इस टीम में सारा काम मुझे ही करना पड़ता, बॉलिंग भी फील्डिंग भी विकेटा भी मुझे ही लेना पड़ता है मियाँ, बाकी सब तो फुस्सी है। एक किलो नीमा शुद्ध मकदोना जिसका दाना दाना एक समान। ओए मुन्ना लोग, इस साल की आईपीएल ट्रॉफी अपनी चाहिए लिख के ला लो, क्योंकि हम इस आईपीएल की नंबर वन गेम चेंजर टीम है। पर इस बात का घमंड नहीं है मुझे, और हमारे बैट्समैन कुछ नहीं कर पाते, लेकिन बॉलर्स तो दमदार है ना भाई। वैसे भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे बॉलर्स ही इतने महान है, कोई कितना भी स्कोर बनाए लेकिन हमारे हैदराबादी बिरयानी के सामने वो फेल है। हमारे लिए सिर्फ बाएं हाथ का खेल है, प्लेऑफ में तो हमने अपनी जगह बना ली, अब मजा आएगा फाइनल में। हाँ, तब सारे के सारे विकेटा मैं लूंगा, किसी को मौका नहीं दूंगा। ऐसा क्या तू विकेटा लेगा तो मैं क्या वहाँ पे छोले भटूरे बेचूंगा। हमारे सामने अब कोई भी टीम टिक नहीं पाएगी। जब भी हमारी टीम मुसीबत में होती है मैं सिद्धार्थ को कॉल करता हूँ। सिद्धार्थ को कॉल मतलब मुझे नहीं, भूलो मत मैंने सारे मैच जीतवा है, मैंने बड़े बड़े प्लेयर की विकेटा ली है, तो मैं क्या ग्राउंड में हलवा खिचड़ी बनाने आता हूँ? सारे विकेटा तू ही लेता है तो मेरे कारण सब जीत रहे हैं, मैं हीरो हूँ बाकी सब जीरो। ए, जीरो किसको बुला रहे, अगली मैच से तू गायब, चल बिल्कुल अपने भाई। आपको नहीं बोला मैंने आप हीरो हो, मतलब इसको नहीं बोला उसको नहीं बोला, मतलब तूने मुझे जीरो बोला, मेरे भाई आपको भी नहीं बोला। मेरी कप्तानी की तारीफ नहीं करोगे कमीनो, खुद अपनी तारीफ करे जा रहे हो। हाँ मियाँ, आपकी भी तारीफ बनता है क्योंकि आप इतने लकी हो, आपको हमारे जैसे बॉलर्स मिले, ये तारीफ थी या इंसल्ट? खैर हम प्लेऑफ में तो पहुंच गए, लेकिन एक बात का गम है यार। कौन सा गम? बबल गम? नहीं रे, हमने सीएसके को नहीं हराया, हमने चेन्नई एक्सप्रेस को पंचर नहीं किया। कैसे करे भाई पंचर, जब चक्के ही लोहे के हो और जहाँ धोनी भाई हो तो जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है भाई। लेकिन अगली मैच में जीतेंगे भाई, फिलहाल चेन्नई के नारियल पानी के सामने हमारी बिरयानी ठंडी है, लेकिन हमें जब ये बिरयानी खिलाने का मौका मिलेगा तो फाइनल में हम चेन्नई को बिरयानी खिला देंगे एकदम गरम गरम तंगड़ी वाले पीस के साथ, फाइनल में हरा के, और ट्रॉफी हमारी होंगी, बस हमारी और किसी की नहीं। भाई कैसी लगी बिरयानी? तेरी बिरयानी की वजह से हार गए? क्या बात कर रहे हो भाई, मेरे बिरयानी में तो प्यार था प्यार, लेकिन हैदराबाद से मिली हार, उसका क्या यार। भाई मुझे तो बहुत पसंद आई बिरयानी, मुझे तंगड़ी वाला पीस मिला था, तंगड़ी वाला। बस बिरयानी खाएगा क्या, कभी मैच भी जितवाया कर। राशिद खान के गूगली को पढ़ नहीं पाया मैं, ये तो जीत गए होते अपन। सिराज भाई एक काम करना, अगली बार राशिद खान को बुलाना बिरयानी पार्टी के लिए, और चुपचाप से उसकी गूगली पढ़ लेना। गूगली पढ़ना इतना आसान नहीं है, और ऊपर से राशिद खान की गूगली वो आज तक किसी को समझ नहीं आई। कोई बात नहीं मुन्ना लोग, अब राशिद खान की गूगली को मैं गूगल पर सर्च करता हूँ। सारे अनुष्का हम फिर से हार गए। कोई बात नहीं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, अब देख अगली बार जीत जाएंगे। अब तो हमें और जलील होना है बाबा। नहीं नहीं नहीं, अगले मैच जीत जाएंगे, टेंशन मत ले। अब कोई होप नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं, मेरे जन्मदिन के दिन जीत गए ना, बहुत है। अब पैक अप। ओए मुन्ना लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इस टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो मुन्ना लोग। और हाँ बताइए, आज की मैच रोहित जीतेगा या डीके? तब तक आधा हूँ मैं पानी पी के।